बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CS402 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो इसे मैं शॉर्ट एंड डिटेल वे से आपको समझाऊंगा ताकि आपका सिलेबस कवर भी हो सके और शॉर्टकट मेथड से भी हो सके। तो लेक्चर नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि ऑटोमेटा का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखें, सिंपल सी बात है, प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन है और इसका मतलब है समथिंग दैट वर्क ऑटोमेटिकली। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, जो जो मैं कलर कर रहा हूँ ना, कि ये आपके MCQs में सेम एज इट इज़ आ सकती हैं, तो आपने इनको माइंड में रखना है। सेकंड वे पे है कि आपके टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कितनी है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि इसकी टू लैंग्वेजेस हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये होती क्या है, ये बेसिकली अभी आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये लेक्चर नंबर 23-24 में आएंगी। इनको आप ये सिंथेटिक और सिमेंटिक भी कहते हैं, ये चीज़ें भी आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। तो अल्फ़ाबेट की सिंपल से उसने एक डेफिनेशन लिखी है, नॉन एम्प्टी यानी कि एम्प्टी नहीं होगी, सेट ऑफ सिंबल होगा जिन्हें हम लेटर कहेंगे, और ये जो लेटर होंगे इन्हें हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। और इन्हें डिनोट किसने करना होता है, आपने सिग्मा ग्रीक लेटर से करना होता है। आप बेसिकली जो आपने हाईलाइट करना है, आपने इसको सारे को हाईलाइट कर लेना है, ये आपका सेम एज इट इज़ MCQs में आएगा। अब यहाँ पे उसने उनकी दो तीन एग्जाम्पल भी दिए, तो आपने ये सिग्मा की बात होगी कि आपने इसे डिनोट करना है, और आपके ये वाले हैं सैम्पल्स हैं, इनको वो सैम्पल कह रहा है, ए है वो भी सैम्पल है, बी है वो भी सैम्पल है। अगर सेकंड एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे आपके दो सैम्पल हैं 0 और 1, और अगर थर्ड में देखें तो आपके तीन सैम्पल हैं आई और जे और साथ में के। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपने देख लेना है। यहाँ पे आपकी नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स किसे कहते हैं, कंकेटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फाबेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। आपने इसको भी माइंड में रखना है। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके जो सैम्पल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो भी बनाते हैं उसे हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप सेकंड एग्जांपल में देखें तो हमारे पास दो सैम्पल्स थे ए और बी, और ये जब मिलकर जो भी चीज़ बनाएंगे उन्हें हम स्ट्रिंग्स कहेंगे। कैसे, हमारी पहले स्ट्रिंग ये थी ए, उसके बाद हमारी ये स्ट्रिंग थी, और उसके बाद जो हमारी स्ट्रिंग थी वो ये वाली स्ट्रिंग थी, इनको एक ही स्ट्रिंग कहेंगे। ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, आपने कॉमा के आगे जो भी आएगा वो एक स्ट्रिंग होगी। और अगर ये देखें तो ये भी हमारी स्ट्रिंग्स है, ये एक दूसरे के साथ कंकेटिनेट हो रही है, मिलकर पार्ट बना रही है, तो इसे हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग। समटाइम आप क्या होता है कि जो करेक्टर होते हैं ना, जैसे अगर ये सैम्पल की बात कर रहे हैं सिग्मा में, तो आपके दो सैम्पल हैं ए और बी, तो आप क्या करते हैं, समटाइम ए को ले लेते हैं, समटाइम बी, समटाइम दोनों की कंकेटिनेशन जैसे ये वाला ले सकते हैं, लेकिन समटाइम आप इनमें से कुछ भी नहीं लेते, तो उसे कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग। आपका ये नल स्ट्रिंग मोस्टली आगे चल के वर्ड यूज़ होगा, तो आपने इसको माइंड में रखना है। अब इसको देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको डिनोट आप दो तरह से कर सकते हैं, एक ये लेटर है और साथ में एक ये नल स्ट्रिंग का ये वाला है, ये वाला लेटर है, काफ़ी चल के आगे यूज़ होगा, तो इसे भी आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है कि आपके वर्ड्स क्या होते हैं। तो वर्ड्स आर थिंग बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेजेस। तो इसका मतलब है कि जो भी वर्ड्स होंगे ना, जैसे ये वर्ड है, तो ये आपका किसी लैंग्वेज से वो बिलोंग कर रहा है, पार्ट है उसका, तो इसलिए हम इसे वर्ड भी कहेंगे। अब ये नेक्स्ट, उसने एक एग्जाम्पल बताई हुई कि उसने आपको सिग्मा में दे दिया एक ही आपका सैम्पल है एक्स, और एक्स की उसने पावर दे दी एन। इसका मतलब है कि जितनी एन की पावर होगी ना, आप उतनी टाइम उसको लिखेंगे। जैसे सपोज कि अगर आप 3 की पावर 3 टाइम लेते हैं ना, तो आप उसको 3 टाइम एक दूसरे अपने साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बाय 3 बाय 3। यहाँ पे इसका यही मतलब होगा कि आपने एन जो लेना है वो 1 2 3 से लेना है, कि जब आप एक्स की पावर 1 लेंगे तो इसका मतलब है आपका 1x आएगा, जब आप एक्स की पावर 9 लेंगे ना, तो इसका मतलब वो 9 टाइम अपने साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 9x आएंगे। तो ये वाली एक वर्ड्स की एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट आपका है वैलिड और इनवैलिड अल्फाबेट्स का। तो इसको हम देखते हैं, इस यहाँ पे आपको, उसने बेसिकली आपको दो सिग्मा दे दिए, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। अगर आप इनको देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम वही है, लेकिन इनमें जस्ट एक ही चेंज है, वो क्या है कि यहाँ पे पहले सिग्मा 1 में स्मॉल है, कैपिटल बी है, और सेकंड सिग्मा में कैपिटल बी और स्मॉल है। बाकी अगर ये सैम्पल देखें तो बिल्कुल सेम एक दूसरे के जैसे ही है। अब यहाँ पे उसने साथ आपको स्ट्रिंग भी दे दी है और कहा है कि आप चेक करके बताएं कि सिग्मा 1 इनवैलिड है कि सिग्मा 2 इनवैलिड है, और इन दोनों में से वैलिड कौन सा है। तो ये आपको स्ट्रिंग है वो समटाइम दे सकता है, समटाइम नहीं दे सकता। अच्छा, अब जो स्ट्रिंग उसमें दी है ना, आपने उसको चेक कैसे करना होता है कि आप जब उसको, ये स्ट्रिंग बेसिकली कहाँ से मिलकर बनी, आपके सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों से मिलकर बन सकती है। उसने आपको स्ट्रिंग दे दिया और आपको कहा है कि इसको टोकनाइज करें। टोकनाइज का मतलब होता है कि आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो अगर आप पहले में देखें तो उसने आपको दो वे से करके बताया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 डिफरेंट वे से करके बताया। अब हम इसको टोकनाइज करते हैं, यानी इसके पार्ट बनाते हैं। तो पार्ट बनाते वक्त, टोकनाइज करते वक्त आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने टोकनाइज जो करना है ना, वो सिग्मा को माइंड में रख के करना है। यानी अगर मैं बात करूँ ना कि मैं इसको टोकनाइज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको 2 डिफरेंट वे में कर सकता हूँ। मैं कैपिटल बी को भी ले सकता हूँ, या क्यों ले सकता हूँ, यहाँ पे देखें तो मेरा कैपिटल बी सिग्मा में डिफाइंड था, लेकिन अगर मैं इसको साथ में ये वाला स्मॉल ए भी मिला लूँ, तो अगर मैं देखूँ तो ये भी ले सकता हूँ, क्यों, ये हमारा सिग्मा में डिफाइंड था। लेकिन अगर मैं इसको थर्ड वाला मिलाना चाहूँ, कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, तो मैं अगर ये लेना चाहूँ तो नहीं ले सकता, ये आपके सिग्मा 2 में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, और ना ही आपके सिग्मा 1 में डिफाइंड है। तो आप जिस सिग्मा के अकॉर्डिंग कर रहे हो ना, तो आपने उसी को देखना होगा। सिग्मा 1 को देख रहे हो तो सिग्मा 1 वाले करेक्टर सैम्पल आपने माइंड में रखने हैं, और अगर आप सिग्मा 2 को देख रहे हो तो आपने उनके जो सैम्पल है वो माइंड में रखने हैं। अब यहाँ पे उसने क्या किया कि आपको 2 डिफरेंट वे से करके बताया, तो उसने पहले में आपको कैपिटल बी और स्मॉल ए ले लिया है और उनको पहले वे में यहाँ पे लिख लिया है। आपने क्या करना होता है, ब्रैकेट डाल के उसके अंदर वो वाला सैंपल लिख देना होता है।
अब नेक्स्ट अगर देखें तो आपका पहला तो हो गया, उसके बाद आपका जो स्मॉल बी था आप इसको नहीं ले सकते क्योंकि सिग्मा में हमारे डिफाइंड ही नहीं है। साथ में हम स्मॉल बी और स्मॉल ए लेना चाहें तो ये भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे सिग्मा में ये डिफाइंड नहीं है। हम जो ले सकते हैं हम ये वाला ले सकते हैं, स्मॉल बी ए और स्मॉल बी। अब आप इसको ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, यहाँ पे आप देखें तो सिग्मा टू में आपके डिफाइंड है। अब यहाँ पे सिग्मा वन की अगर बात करें तो वहाँ पे भी डिफाइंड है, लेकिन आप जिसके वे से ले रहे हैं आपने सिर्फ उसी सिग्मा को ही देखना होगा। हम सिग्मा टू को ही बेसिकली देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें हमने सिग्मा टू के अकॉर्डिंग ये वाला भी लिख दिया। क्यों लिख दिया, यहाँ पे आपके सेम एज इट इज इसी तरह ही मेंशन था। लास्ट में सिंपल सी बात है, आपका जो कैपिटल बी है वो आपका सिग्मा में डिफाइंड था तो आपने उसी तरह ही लिख दिया। आपका ये पहला एक मेथड था, उसने एक सेकंड मेथड से भी करके बताया। वो कैसे हो सकता था कि आपने क्या किया था, पिछली दफ़ा आपने कैपिटल बी के साथ ए को भी मिला लिया था लेकिन इस दफ़ा आपने जस्ट कैपिटल बी को ही लिया। क्यों लिया है, आपके ये सिग्मा टू में डिफाइंड था, अब हमने क्या किया इसको ले लिया है। अब आपका ये तो आ गया वैलिड था, अब लास्ट वाला भी इसी तरह आपका वैलिड था, आपने वो यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन जो दरमियान में बचे हैं ना उसका कोई पॉसिबल वे है ही नहीं कि आप उसको मतलब किसी रेगुलर वे से लिख सकें। पिछली दफ़ा तो हमने क्या किया था कि कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए को मिला लिया तो हमारी स्ट्रिंग जो थी वो सिग्मा के लिहाज से बिल्कुल सही बन गई थी, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला हमारा जो करेक्टर है, ये वाला सैम्पल है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि सेकंड वे से जो आपने बनाया है वो आपका मेथड रॉन्ग है। ये जिसका मैंने कलर है ना रेड किया ना, तो आपके बिल्कुल रॉन्ग है। इसका मतलब है पहले वे आपका बिल्कुल सही है, राइट है, और सेकंड वे बिल्कुल आपका रॉन्ग है। यहाँ पे उसने आपको एग्जाम्पल बताया ये क्यों रॉन्ग है, कि जब आपका कंपाइलर जाएगा ना तो बी को तो एनालाइज कर लेगा कि बिल्कुल वैलिड है, लेकिन जब वो ए बी को करेगा ना एनालाइज तो यहीं पे आके स्टक कर जाएगा, वो कह देगा कि इनवैलिड है। नेक्स्ट उसने आपको एक रिमार्क इंपॉर्टेंट बताया, वो तो रिमार्क क्या है, यहाँ पे आप देखें कि वन लेटर शुड नॉट बी प्रीफिक्स ऑफ एनदर। तो ये बात क्या कर रहा है, वैलिड और इनवैलिड करेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है कि वो कैसे आपने चेक करना होता है। तो ये बात कर रहा है कि अगर आपका वन लेटर, सिर्फ वन की बात हो रही है, टू थ्री की नहीं बात हो रही, तो अगर आप वन लेटर देखें किसी भी सिग्मा में, जैसे मैं अगर पहले सिग्मा की बात करूँ तो यहाँ पे वन लेटर ये था या वहाँ पे, यहाँ पे वन लेटर ये था, तो अगर हम इसको देखें तो वो बात कर रहा है कि आपका वो किसी और स्ट्रिंग का या वर्ड का पहला प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग लेटर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिग्मा टू की बात करें तो आपका ये वन लेटर कैपिटल बी था, लेकिन आप अगर यहाँ पे नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट की बात यह है कि सिर्फ इसमें नहीं देखना आपने, आपने इसमें भी देखना है, आपने यहाँ पे भी देखना है। तो इसका मतलब है कि वन लेटर शुड नॉट बी प्रीफिक्स ऑफ एनदर, यानी कि स्टार्टिंग लेटर नहीं होना चाहिए। आपका इसका वन लेटर था लेकिन आप यहाँ पे नोट करें तो सिग्मा टू की बात कर रहा हूँ, आपका इसका स्टार्टिंग लेटर भी है। अगर सिग्मा वन की बात करें तो ये आपका वन लेटर तो था लेकिन ये किसी और का स्टार्टिंग लेटर नहीं था। अगर हम चेक करें सारे लेटर्स को, सैम्पल्स को, तो यहाँ पे किसी का भी स्टार्टिंग नहीं था। तो इसका मतलब है कि जो आपका सिग्मा वन होगा वो वैलिड अल्फाबेट्स होंगे, वाइल सिग्मा टू इनवैलिड अल्फाबेट्स होंगे। मतलब वही है कि आपने ये देखना होता है कि अगर वो वन है ना, वन लेटर, तो किसी और का स्टार्टिंग लेटर नहीं होना चाहिए। उसने बेसिकली आपको आगे चल के जो आएंगे ना सिर्फ सेम स्मॉल लेटर आएंगे। यहाँ पे उसने कैपिटल में लेके इसलिए बताया कि आपके माइंड में रहे कि ये आपको बताना क्या चाह रहे, और ये आपका ये वाला पॉइंट था कि वन लेटर शुड नॉट बी प्रीफिक्स ऑफ एनदर, यानी कि स्टार्टिंग लेटर किसी और का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने स्ट्रिंग में, उनको हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं, और इसे डिनोट कैसे करते हैं, इस चीज़ से करते हैं। तो ये वाली चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे अगर आप देखें एग्जाम्पल है, तो अब ये बिल्कुल सिंपल सी एग्जाम्पल थी, इसमें हमारे पास सिग्मा में दो ही सैम्पल थे, क्या स्मॉल ए और स्मॉल बी। आगे चल के जो आएंगे आपके सारे इसी तरह ही करके आएंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी और ज़्यादातर ए बी ही आएंगे। यहाँ पे उसने बेसिकली आपको कैपिटल भी डाले हुए, लेकिन वो सिर्फ समझाने के लिए डाले हुए कि वो कहना क्या चाह रहा था। अब आप इसको करेंगे, सबसे पहले तो टोकनाइज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सीखा था, यहाँ पे सीखा था टोकनाइज। और टोकनाइज आपने क्या करना होता है, सिग्मा को जो भी उसके सैंपल थे उनको माइंड में रख के करना होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल थी, ए बी ए बी ए बी है, तो आप यहाँ पे नोट करें तो ए बी ये हमारा अलग था, और इसी तरह बी भी अलग था, ए बी अलग था, बी भी अलग था, ए बी। ये सिंपल सी बात है, हमारे पाँच लेंथ थी तो हमने ये पाँच लिख लिया इस तरह बार लगा के, और ये हमारा लेंथ हो गया। लेकिन ये वाली एग्जांपल फिर बिल्कुल वही फिर दोबारा से आ गई। तो टोकनाइजिंग क्या करनी है, कि जब हमने टोकनाइजिंग करनी है ना, तो सिग्मा को देख के करनी है कि उसके अंदर जो करेक्टर हैं उनके लिहाज से हमने उनका टोकन बनाने हैं, अलग अलग करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये बी है ना, आप इसको दो वे से बेसिकली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने आपको एक ही वे से करके बताया है। तो आप बी देखें तो यहाँ पे आपका बी कैपिटल बी की बात हो रही है, तो आपका मेंशन था, तो आप इसने यहाँ पे लिख दिया है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो आपका था स्मॉल ए और कैपिटल बी। अगर आप स्मॉल ए को लेना चाहें तो बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि आपका ये सिग्मा में मेंशन ही नहीं है, इसलिए आपको साथ वाला लेटर नेक्स्ट मिलाना पड़ेगा। हमने इसको मिलाया और अब हम इसको सिग्मा में देखेंगे तो आपका यहाँ पे मेंशन था, तो इसका मतलब है कि आप इसको टोकनाइज कर दिया और इस तरह आपने उसको अलग कर दिया। अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो वही है हमारी बी स्मॉल बी ए और स्मॉल बी। अब आपने फिर से इसको अलग कर दिया, आपका ये तीसरा टोकन बन गया, और नेक्स्ट आपका कैपिटल बी था ये वाला, आपने उसको भी लिख दिया, और लास्ट में हमारे पास ओनली स्मॉल डी बचा था, तो सिग्मा में वो भी डिफाइंड था, उसको भी हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब आपने जब इसकी लेंथ काउंट करनी है तो ये काउंट नहीं करना है, ये तो बिल्कुल एक है, इसे आप एक ही काउंट करेंगे, लेकिन इसको आप दो काउंट नहीं करेंगे, आप इसको एक ही काउंट करेंगे। इसी तरह इसको भी एक काउंट करेंगे, इसको भी एक और इसको भी एक। अभी हमारे पास पाँच लेंथ बन रही थी तो हमने यहाँ पर लिख दिया लेंथ इज़ फाइव। अब नेक्स्ट है हमारा रिवर्स ऑफ लेंथ स्ट्रिंग।
तो ये टोकनाइजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो सीखा था ना आपने, ये आगे चल के आपकी जो लेंथ होती है उसमें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और इसी तरह जो आपका रिवर्स होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट में जब आप देखते हैं ना रिवर्स ऑर्डर में, तो रिवर्स ऑर्डर सिंपल सी बात है कि आप उसको डिनोट कैसे करते हैं। आपके पास दो तरीके होते हैं, आप उसको या तो ऐसे रिवर्स ऑफ एस, एस का मतलब है कि जो भी उसने कहा हुआ है ना सिग्मा, आप उसकी बात कर रहे हैं इस वाले की, आप इधर सिग्मा भी हो सकता है, इधर एल भी हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है। आपने क्या करना होता है कि पहले भी या तो इस तरह डिनोट कर देते हैं, या इसके ऊपर जैसे एस है ना जो भी नेम लिखा है उसके ऊपर आप आर लिख देते हो, तो इसे आप रिवर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसे रिवर्स कैसे करना होता है। तो यहाँ जो पहली एग्जांपल थी वो बिल्कुल सिंपल सी थी। यहाँ पे अगर पहली एग्जांपल में देखें तो सिंपल सी थी, आपकी जो स्ट्रिंग बन रही थी ना वो कुछ इस तरह से बन रही। यहाँ पे उसने आपको स्ट्रिंग बना के दिखाई है, स्ट्रिंग जो थी वो थी एस, डिनोट कर रहे स्ट्रिंग से ए बी सी। तो आप इसको राइट हैंड साइड से लिख देंगे तो वो बन जाएगी एस सी बी ए, और ये आपकी रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग बन गई। आप इसको दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये फिर से वही वाली एग्जांपल दोबारा से बार बार आ रही है। तो जब हमने टोकनाइज करना है ना, तो टोकनाइज करने में आपने वही माइंड में रखना है कि अगर जब देखें मैं कैपिटल बी को लिखता हूँ तो वो हमारा सबसे पहले तो आपने उसको टोकनाइज करना है। तो आप जब देखें टोकनाइज करें तो देखें कि हमारा सिग्मा में बिलोंग करता है कि नहीं करता। अभी मैं बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ ना टोकनाइज करना चाहता हूँ, तो मैं जब आप इसको टोकनाइज करेंगे तो ये देखें ये हमारा बी है ना, हम इसको सबसे पहले देखेंगे कि टोकनाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब ये देखें सिग्मा में वही मेंशन था, तो इसका मतलब हम इसको टोकनाइज कर सकते थे, हमने इसको टोकनाइज कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो देखना है ना स्मॉल ए देखना है, तो स्मॉल ए अगर देखें तो ऊपर मेंशन ही नहीं है, इसका मतलब हम इसको टोकनाइज नहीं कर सकते। इसके साथ हमें ये कैपिटल बी भी मिलाना पड़ेगा। अब अगर देखें तो ये हमारे सिग्मा में डिफाइंड था, तो इसका मतलब हम इसको भी टोकनाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास स्मॉल बी था, अगर इसको करना चाहें तो नहीं कर सकते क्योंकि सिग्मा में डिफाइंड नहीं है। इसी तरह अगर साथ वाला मिला लें स्मॉल ए और स्मॉल बी स्मॉल ए, तो ये भी नहीं कर सकते, ये सिग्मा में डिफाइंड नहीं है। ये वाला आप कर सकते हैं क्योंकि आपका ऊपर सिग्मा में डिफाइंड है, तो इसका मतलब आपने इसको भी टोकनाइज कर लिया। अब नेक्स्ट है कैपिटल बी है आपका, इसको करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये सिग्मा में डिफाइंड है, तो इसका मतलब हमने इस तरह से कर दिया। अब आपका लास्ट करेक्टर सैम्पल बचता है स्मॉल डी, तो आप देखें तो सिग्मा में डिफाइंड था, तो इसका मतलब है कि ये भी आप इसको टोकनाइज कर सकते हैं। अब हमने इसका रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए सिंपल सी बात है, आपने राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट कर देना है। तो राइट हैंड साइड से पहले जो आएगा सबसे पहले आपका स्मॉल डी आएगा, तो स्मॉल डी आपका ये वाला आ गया है। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है कैपिटल बी, कैपिटल बी आपका यहाँ भी आ गया है। अब जो नेक्स्ट आप लिखेंगे आप इस वे से लिखेंगे, आप ऑलरेडी राइट हैंड साइड से यानी रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो ये नहीं करना कि आपको इसको पहले लिखना है। आपने सबसे पहले इसको लिखना है बी को, फिर इस ए को, फिर इस बी को लिखना है। आपने इसी तरह से बी ए बी लिख दिया, आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो है अब आपने क्या करना है कि इसको स्मॉल ए कैपिटल बी लिखना है, ये नहीं करना कि कैपिटल बी को पहले लिख दो और स्मॉल ए को बाद में लिख दो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्मॉल ए पहले और कैपिटल बी फिर बाद में, ये इसकी बात हो रही है इस वाले करेक्टर की। अब नेक्स्ट जो है लास्ट में आपका कैपिटल बी था, तो उसने आपने इसको लास्ट में भी लिख दिया, तो आपका ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब आप रिवर्स कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आपने टोकनाइज करके उनको अलग अलग करना होता है, उसके बाद ही आप उनको इजीली बना सकते हैं। अगर आप वैसे करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए इशू हो सकता है। सबसे पहले आपने उनके टोकन बनाने, छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं। अब नेक्स्ट है लैंग्वेज को डिफाइन करने के कितने मेथड होते हैं। तो बेसिकली आपके यहाँ पे फोर मेथड उसने बताए, वैसे और भी हैं लेकिन आपने फिलहाल माइंड में जो रखने हैं ना फोर ही हैं, डिस्क्रिप्टिव, रिकर्सिव, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फाइनाइट ऑटोमेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं कि ये कौन से मेथड है और इनको हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें उसने आपको दो तीन वे से, मैं आपको यहाँ पे अच्छा सबसे पहले जो मेथड देख रहे हैं वो है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखें तो आपको इस तरह करके लैंग्वेज में बताएगा कि ये चीज़ क्या है। यहाँ पे उसने आपको बता दिया स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ, तो ऑड का मतलब है कि वो जितने भी आएंगे ऑड लेंथ में आएंगे, आपका 1 है 3 है 5 है एंड सो ऑन है। और सिग्मा को आपको देख के ये बनाना होगा। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास सिग्मा में जो थे सैम्पल वो जस्ट ए ही था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दें डज नॉट स्टार्ट विद ए, इसका मतलब है कि आपके पास सिग्मा में जो थे सैम्पल वो तीन थे ए बी सी। अब जो भी आपकी होगी ना लैंग्वेज या उसकी स्ट्रिंग, तो वो आपकी जो है वो स्टार्ट ए से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे उसने आपको कोई भी स्ट्रिंग देख लें तो आपकी ए से स्टार्ट नहीं हो रही। अब बाकी जो है आपका एनी पॉसिबल कम्बिनेशन होगा, आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि पहले बी ए क्यों आया हुआ है, ये बी सी क्यों नहीं आया, और पहले सी ए क्यों नहीं आया, ये बी ए क्यों आया, इस तरह से कुछ नहीं। ये कोई भी सीक्वेंस मैटर नहीं करता, जैसा आपने उसने आपको एग्जाम्पल दिखाई है, लेकिन माइंड में क्या रखना है कि डज नॉट स्टार्ट विद ए, यानी कि स्टार्ट में ए नहीं आना चाहिए, बस इतनी सी चीज़ है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपकी लेंथ ऑफ टू है, आपके पास ये उसने तीन आपको सैंपल दे दिए, 0 है 1 है 2 है, लेकिन जो चीज़ माइंड में रखना है कि लेंथ टू होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें तो जो भी आ रहा है ना वो लेंथ टू में ही आ रहा है, जो भी लेंथ देखें आप टू ही होगी, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकेगा। यानी ये नहीं हो सकता
कि मेरा 0 1 2 3 इन ये तीनों मिलके आ जाए, तो जो लेंथ है वो 2 ही होनी चाहिए। अब आपके पास जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे थे ना, वो कुछ इस तरह से बन रहे थे। नेक्स्ट, अगर इस तरह भी बिल्कुल इजी सी एग्जांपल है तो आपने देख लेनी है, बिल्कुल इनमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो है एक इवन इवन का, इवन इवन का सिंपल सी बात है, आपको दो उसने सैंपल बताए हो ए और बी, तो आपके जो भी आएंगे ना इवन में आएंगे, जैसे डबल ए आ जाएगा या डबल बी आ जाएगा या 4A आ जाएंगे या डबल ए और डबल बी। फिर से यही वो चीज़ मैं आपको रिपीट करूंगा कि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप ये वाला डबल ए डबल बी है ना, आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, और ये वाली जो चीज़ है ना ए बी बी ए, आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन सीक्वेंस मैटर नहीं करना। जो आपने चीज़ माइंड में रखनी है वो ये है कि इवन इवन है, यानी कि जितने ए हैं वो उतने इवन में आने चाहिए, अगर बी हैं वो भी इवन में आने चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो 4A थे, आप नेक्स्ट जो स्ट्रिंग लिख सकते थे ना वो 4B भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे सीक्वेंस से बिल्कुल आपने घबराना नहीं कि ये सीक्वेंस ऐसा क्यों लिखा हुआ है। इसी तरह का कि ये कुछ और एग्जांपल है, तो लेक्चर क्योंकि काफ़ी लेंथी हो रहा है तो मैं यहाँ पे इनको सम अप करने की कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट आप ये देखें तो एक है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो रिवर्स लिया था ना वो स्ट्रिंग के इक्वल ही होना चाहिए, यानी आपने जो रिवर्स करके लिखा था वो पहले जो ओरिजिनल आपकी थी ना स्ट्रिंग उसके इक्वल ही हो, तो उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। ये आगे चल के बार बार यूज़ होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप देखें यहाँ पे आप ये है ना दो लेटर हैं बी बी, तो आप इसको राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट करें या लेफ्ट साइड से, तो आपको वही के वही रहेंगे। लेकिन आप इसी तरह इसको भी देखें तो आप इसको राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट करें या लेफ्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करें, वो आपके वही के वही रहेंगे। इसका मतलब ये था कि आप अगर रिवर्स कर लें या उसको सीधा लिखें, वो आपकी चीज़ वही की वही रहे, तो उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। यानी ए बी ए को मैं राइट साइड से लिखूँ या लेफ्ट साइड से लिखूँ, वो वही की वही चीज़ है। नेक्स्ट, उसने आपको एक इम्पॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट बताया, वो कहता है कि आपके जो पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ 2n है ना, वो आपके 2n-1 के इक्वल होंगे। तो ये चीज़ क्या कह रहा है, ये नीचे चल के उसने एक एग्जांपल बताई हुई, यहाँ पे हम चल के देखेंगे। यहाँ पे आपके उसने एक डेफिनेशन, इसको आपने माइंड में रखना है, यहाँ पे जो एम डिनोट कर रहा है उसको कह रहा है लेंथ को, लेंथ ऑफ एम, यानी इसको एम से डिनोट कर रहा है, और अल्फ़ाबेट्स को आपको एन से डिनोट कर रहा है। तो अल्फ़ाबेट्स को मतलब जैसे ये बात की थी ना कि यहाँ पे जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए और बी, इनकी बात कर रहे हैं, ये दो है ना, तो यहाँ पे आपका जो एन है ना वो 2 होगा। और इसी तरह जो लेंथ होगी ना, तो लेंथ की हमने ऊपर एक बात देखी थी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखी थी के ऑफ लेंथ, ये वाली लेंथ 2 है ना, तो इसका मतलब है कि दो मिलकर जो कंकेटिनेट हो रहे हैं तो इसको हम लेंथ कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएं, यहाँ पे देखें तो यही चीज़ है कि आपका जो एम होगा वो लेंथ को डिनोट करेगा और एन है आपके सैंपल्स को, यानी ये जो लेटर थे ना इनको डिनोट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट उसने एक एग्जांपल करके आपको बताया स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, यहाँ पे लेंथ आपने देखनी है 2 है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, और आपके पास जो सिग्मा में थे वो बेसिकली 2 ही थे, तो आपके जो लेंथ है वो भी 2 है और जो सिग्मा में लेटर थे वो भी 2 हैं। तो यहाँ पे देखें ये आपके स्ट्रिंग बन रही थी कुछ इस तरह से 2 2 लेंथ की। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका नीचे रखा हुआ है ना, ये जो ये वाला ये आपका एन है, और ये जो पावर ली हो ये एम है, ये एम पीछे मैंने आपको बताया कि ये लेंथ को डिनोट कर रहा है। तो आपके सिग्मा में जितने करेक्टर है आपने वो नीचे रख लेने, और जो लेंथ होगी उनकी आपने पावर ले लेनी है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेंथ ऑफ 3, तो उसने यहाँ पे आपको लेंथ है ऑफ 3 है ना, ये ऊपर आपको पावर में शो करा दिया है। अब ये एक यहाँ पे अजीब सा एक डायग्राम बना हुआ, तो मैं आपको बेसिकली इसको आपको माइंड में देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको अपने इस तरीके से समझाता हूँ। इसके कहने का मतलब ये है कि अभी हमने पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था पैलिंड्रोम का। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि आप रिवर्स भी करते हैं तो वो वही का वही रहता है। इसके कहने का मतलब है कि आपकी कोई स्ट्रिंग होती है ना, जैसे वो 2n की लेंथ की है, 2n का मतलब है कि इवन लेंथ है, तो अगर वो कहता है कि अगर आपकी वो इवन लेंथ होगा ना तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। अगर ए ए है ना, तो आप जब आप इसका पैलिंड्रोम बनाएंगे ना तो कुछ इस तरह से बनेगा कि आपका राइट हैंड वाला साइड वाला पहले आ जाएगा ए, और लेफ्ट हैंड साइड वाला बाद में आ जाएगा। और ये बात क्या कर रहा है कि आपके दो लेटर थे ना, तो यहाँ पे आपका बेसिकली देखें आपके पास दो लेटर थे ए ए, अब आपका ये वाला जो है ये वो कहता है ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो वो वही का वही बन जाएगा और आपका चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक और तरीके से आपको कर देता हूँ। इवन लेंथ की बात हो रही है, 2n, 2n का मतलब है, 2 का मतलब ये है कि आपका इवन ही होगा, और n का मतलब है कि जितने भी होंगे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, जितने भी कर लेंगे ना वो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ना तो वो n ही रहेगा, वो इवन ही रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात है कि वो कहते हैं 2n-1, इसका मतलब है कि जो होगा आपका ये इवन होगा। 2n यानी आप n अगर जस्ट सपोज कि आपका जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है ना वो अगर 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 हो जाएगा, और -1 यानी कि 7, तो 7 लेंथ की बात कर रहे हैं कि जो 7 लेंथ होगी आप उसको लिखेंगे कैसे, आपका जो एक लेटर वो मिड में आएगा और बाकी जो है ना ये राइट हैंड साइड वाले वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड वाले जो है आपको वो राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि उसके कहने का मतलब ये है, आपकी कुछ स्ट्रिंग है ना इस तरह करके ए ए बी,
और उसके बाद फिर ए ए ए है, इस तरह से कुछ कुछ करके है। तो उसके कहने का मतलब है कि आपके जो लास्ट वाले थ्री करेक्टर होंगे ना, ये देखें तो लेंथ सेम ही बनी, मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल बताई थी, तो यहाँ पे देखें तो आपके जो लास्ट वाले ये हैं आप इसको पहले लिख देंगे, आपने इसको पहले लिख दिया। अब मैं ये नीचे वाला रिवर्स की बात कर रहा हूँ पैलिंड्रोम की, तो यहाँ पे मैंने उसको पहले लिख लिया और आपके जो जो बी है ना ये आपका बिल्कुल ऐसे ही आएगा। वैसे उसने आपको ए वाला एग्जाम्पल करके बताई है, लेकिन ये यहाँ पे बी भी या कुछ भी आ सकता है, ए बी की बात नहीं। और बेसिकली उसके कहने का मतलब है कि जो मिड वाला लेटर है वो वही के वही रहेगा, वो वाला चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे वो वैसे के जस्ट सपोज किया, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपका जो करेक्टर है ना वो जीरो आ जाए, तो जीरो भी आपका आ सकता है और उसके बाद है ना यहाँ पे भी फिर जीरो आएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये भी जीरो आ गया, और इसका मतलब है कि जो मिड वाला है वो वही के वही रहेगा, ये वाले जो थे आपके वो वाले चेंज हो गए। जस्ट सपोज किया मैं यहाँ पे बी बी कर लेता हूँ, तो इसका कहने का मतलब है कि आपका ये बी 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 पहले आ जाएगा और ये लास्ट वाले जो करेक्टर है ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। लेकिन इस चीज़ में आप देखिए पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट तो नहीं हुआ ना, पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट ये था कि आप राइट हैंड साइड से पढ़ें या लेफ्ट हैंड साइड से, वही के वही रहे। तो इसके मतलब ये है कि आपको इस तरह से कुछ होगा, यहाँ पे भी बी बी होगा और यहाँ पे भी बी 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 होगा। तो अब आप देखें ये वाला जो है ना ट्रिपल बी, ये मैंने कहाँ पे लिखे हैं, ये वाले मैंने स्टार्ट में लिख दिए हैं। तो यहाँ पे उसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे वो लिखेगा, और ये वाले जो है ना ये पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, अब ये मैंने इसको राइट हैंड साइड पे लिख दिया है। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपके आएंगे, और ये वाला जो ए उसने लिखा हो ना इसका मतलब है कि ये वाला आपके जीरो की बात कर रहा है कि आपका ये मिडल में ही रहेगा हमेशा। तो ये तो था आज का लेक्चर नंबर वन, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह शॉर्ट लेक्चर्स बनाने की कोशिश करूँगा। तो अल्लाह हाफिज़।